एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी ट्यूशन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने 3 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं। आज हम लोग 4th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, विच इज रिलेटेड टू द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी लैंग्वेज को समझना। उसके बाद हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो हम आपको आज सबसे पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे हमें किसी भी आर्टिकल के बारे में कॉस्ट, उसका वेट हो सकता है, उसकी लेंथ हो सकती है, या फिर ऐसे कोई भी फर्दर डिटेल जब भी एक आर्टिकल के बारे में दिया जाए, एक आर्टिकल के बारे में बताया जाए और हमें ज्यादा आर्टिकल के बारे में, मोर देन वन का फाइंड करना हो, उस केस में प्राइस ऑफ वन आर्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स गिवेन प्राइस या गिवेन वेट या गिवेन लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल से। इन दैट केस वी विल बी फाइंडिंग आउट द आंसर विच एवर विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जब एक के बारे में दिया हो और ज्यादा के बारे में पूछा गया हो, उस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवेन को रिक्वायर्ड से। देन इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जब हमें मोर देन वन आर्टिकल के बारे में दिया गया है। इसका उल्टा, हमें मोर देन वन के बारे में कुछ भी दिया जा सकता है, कॉस्ट, वेट, लेंथ या फिर कोई अदर चीजें भी दी जा सकती हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, हमें वन का फाइंड करना होगा अगर, तो हम टोटल अमाउंट गिवेन, अमाउंट में वो मनी भी हो सकता है, वो वेट भी हो सकता है, वो लेंथ भी हो सकती है, इन तीनों चीजों में या इससे भी, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो उसको हम टोटल गिवेन अमाउंट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स। नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल्स क्या होगा, इट कैन बी 5, इट कैन बी 7, इट कैन बी 3, वट एवर इज देयर। तो हम लोग जब टोटल आर्टिकल से डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट को, तो हमें जो मिलेगा वो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मिलेगा। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है उसकी मीनिंग को समझते हुए। द कॉस्ट ऑफ वन मीटर ऑफ क्लोथ इज रुपीज 25 होल 1/4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ। हमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ दिया गया है, दैट इज दिस, और हमें निकालना है 5 होल 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ का। तो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 का दिया गया है, ज्यादा का निकालना है। तो हाउ वी विल बी जस्ट डूइंग द सॉल्यूशन, आई एम गोइंग टू शो यू। सो इट इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ लिखेंगे, जो भी चीजें हमें गिवेन होंगी क्वेश्चन में ऑलरेडी उनको हम मेंशन करेंगे। देन उसके बाद हम, बिकॉज इट इज इन द मिक्सड फॉर्म, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक दिस। जो भी आपका न्यूमरेटर होगा उस प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जाएगा, तो यू विल गेट 101/4। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, तो हम लोग को जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस गिवन प्राइस को। तो वी हैव मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये भी मिक्स फॉर्म में था, इसको भी हम लोगों ने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है लाइक दिस। तो वी हैव गॉट 101/4 इंटू 23/4। आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन वी हैव गॉट 23,323/16। ओके, बिकॉज आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा 145 होल 3/16। सो इट इज योर आंसर। यूनिट इज टू बी रिटन, ये मस्ट होता है यूनिट लिखना। आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, हेंस द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू रुपीज 145 होल 3/16। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश वॉक्स 4 होल 3/4 5 किलोमीटर ऑफ इन अ डे, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 होल 1/2 डेज। ठीक है, सुरेश एक दिन में इतना डिस्टेंस चल रहा है, तो हमें फाइंड करना है इतने डेज में, वन डे में इतना चल रहा है, इतने डेज में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, सो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, ताकि आप इसको एनालाइज कर पाए कि क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ साइकिलिस्ट कवर्स 14 होल 2/5 किलोमीटर इन 2 होल 1/4 आवर्स। ठीक है, एक साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वाला है जो कि इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने घंटे में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, हमें इस क्वेश्चन में साइकिलिस्ट की स्पीड निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक डिफरेंट मेथड यूज किया है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन।
हमको क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज 14 होल 2/5 किलोमीटर. इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं. देन उसके बाद हमें दिया गया है टाइम टेकन, दैट इज 2 होल 1/4. इसको भी हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. देन इसके बाद एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला और ये आपको कॉम्पिटिशन लेवल में भी काफी यूज करता हुआ मिलेगा और साइंस में भी ये फॉर्मूले का यूज होता है. देन हमें डिस्टेंस दिया गया है जस्सी एंड वी हैव बीन गिवन द टाइम ऑल्सो. इसको हम लोग इस तरीके से, हम लोगों ने इसको डिविजन के फॉर्म में नहीं लिखा है, मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा है, हम लोगों ने डिवाइड का साइन यूज करके किया है. इट इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम. ओके, क्योंकि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड करने में इनकैपेबल होता है, उतने प्रॉपरली हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. ओके, जस्ट सी वी हैव डन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, तो ये 4/9 हो गया. ओके, अब हम देखेंगे क्या न्यूमरेटर में कोई भी ऐसा नंबर है जो डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई हो रहा है. यस, 9 इज द नंबर विच इज सिंप्लीफाइंग 72/8. ओके, तो यू हैव गॉट इन न्यूमरेटर नाउ 8 4s are 32/5, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 66 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इट वॉज द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर इज -28/81. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -4/15, फाइंड द अदर नंबर. दो नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब उनको जब मल्टीप्लाई किया गया किसी भी दो नंबर को, तो हमें ये रिजल्ट मिला और उसमें से दो नंबर में से एक नंबर दिया गया है हमें, तो हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है. ठीक है, जैसे अगर मैंने बात की कि कोई भी दो नंबर है, अगर हमने मान लिया कोई भी दो नंबर से हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो 35 आया. ओके, हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो 35 आया और हमने कहा अगर उनमें से एक नंबर 7 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा. वन नंबर हमारा 7 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, उसके लिए इस प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइड कर दें 7 से तो वेरी इजीली वी विल बी गेटिंग 5, है ना. तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. ओके, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, आई हैव नोटेड डाउन व्हाट इज द गिवन हियर. प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -28/81. देन इसके बाद वन ऑफ द रेशनल नंबर इज गिवन -4/15. इसके बाद हम इसको वेरिएबल मेथड से यूज कर रहे हैं. वन मोर मेथड इज देयर बट फॉर यू दैट माइट बी क्वाइट कंफ्यूजिंग, उसको भी मैं किसी अदर वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी. ओके, तो लेट द अदर नंबर बी एक्स. ठीक है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इतना है, उसमें से एक ये दिया गया, दूसरा हमने इसको मान लिया. इट मीन्स इसका और इसका जो मिसिंग था वो ये हो गया. इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो इतना होगा, जस्ट लाइक दिस. ओके, एक्स इंटू -4/15 इज इक्वल टू -28/81. अब इस फ्रैक्शन को हमें राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना होगा. तो कोई भी नंबर जब अपना साइड चेंज करेगा तो उसका साइन भी अपोजिट हो जाएगा. जैसे ये 15 है, यहां पर डिवाइड के रिलेशन में है, तो ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में हो जाएगा. ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई के रिलेशन में है और ये इधर आएगा तो डिवाइड के रिलेशन में हो जाएगा. इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. ओके, जस्ट लाइक दिस. ओके, जस्ट लाइक दिस, 28 × 15/4 × 81. फिर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि देखना है हमें क्या डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा टर्म है जो सिंप्लीफाई कर रहा है न्यूमरेटर को, या न्यूमरेटर में कोई है जो डिनोमिनेटर को कर रहा है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं 4 4 7s are 28. देन आफ्टरवर्ड्स हियर 15 and 81, तो इट इज डिविजिबल बाई 3 एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. देन यू हैव गॉट 27 here and 5. ओके, देन वी हैव गॉट इन न्यूमरेटर 7 × 5 एंड इन डिनोमिनेटर 27. तो हियर यू गॉट द आंसर 35/27. ओके, सो इट इज द रिक्वायर्ड नंबर. ओके, तो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन नंबर 5 इज डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस. इन दोनों ही रेशनल नंबर्स का सम को डिवाइड करना है बाय दियर डिफरेंस. दियर मीन्स उनके मीन्स इन नंबर्स के. इन्हीं नंबर्स का सम भी करना है और इन्हीं नंबर्स के डिफरेंस से हमें उसके सम को डिवाइड करना है. ओके, सो फॉर सॉल्विंग दिस लेट्स सी द स्टेप्स.
इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, दिस साइड वी विल बी जस्ट डूइंग द सम एंड दिस साइड वी विल बी डूइंग द डिफरेंस. ओके, आई हैव रिटन द बोथ द रेशनल नंबर्स 65/12 प्लस 8/3. ओके, एंड उन्हीं दोनों ही रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी करना था. देन 65/12 माइनस 8/3. फिर हमने बताया है आपको दोनों ही डिनोमिनेटर्स को देखना है, अगर डिफरेंट है, इफ दे आर नॉट लाइक, तो उन्हें हमें लाइक बनाना है. लाइक बनाने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 12. देन 3 को 12 बनाने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे. सेम थिंग वी विल बी डूइंग दिस साइड ऑल्सो. देन आफ्टर दिस वी विल बी गेटिंग 65 प्लस 32 बाई 12 एंड देन 65 माइनस 32 बाई 12. आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन वी विल बी गेटिंग 97 बाई 12 दिस साइड एंड द डिफरेंस विल बी 33 बाई 12. ओके, देन इसके बाद हमें क्या करना है, सम को डिवाइड करना है डिफरेंस से. ओके, जैसे सम को हमें डिवाइड करना है डिफरेंस से. सम इज दिस, डिफरेंस इज दिस. मैंने आपको बताया डिवाइड साइन है, ये फ्रैक्शन है, उसे मल्टीप्लाई में बदलना होगा. उसके बाद इस वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल इसका कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग दिस. अब देखिए यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी 12 है आपके पास, डिनोमिनेटर में भी 12 है, मीन्स इट कैन गेट फैक्टराइज. तो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, देन वी हैव गॉट द रिजल्ट 97/33. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 6. इन अ स्कूल 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज. एक स्कूल में 5/7 ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब 5/7 पार्ट टोटल स्टूडेंट्स के कौन है, बॉयज. इफ देयर आर 300 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल. ठीक है, इतना पार्ट बॉयज का है और उसमें कितनी गर्ल्स हैं, 300 गर्ल्स हैं. हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज को. ठीक, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता रखा है कि सबसे पहले हम लोग गिवन थिंग्स नोट डाउन करेंगे. हमें पार्ट ऑफ बॉयज दिया गया क्वेश्चन में, दैट इज 5/7. देन इसके बाद हमें पार्ट दिया गया है, किसी भी फ्रैक्शन का होल पार्ट जो कंसिडर करते हैं वो हम 1 मानते हैं. किसी भी फ्रैक्शन का टोटल नंबर जो माना जाएगा या होल पार्ट कंप्लीट माना जाएगा वो 1 माना जाएगा. ओके, तो पार्ट ऑफ बॉयज वी हैव बीन गिवन. अब हमें पार्ट ऑफ गर्ल्स निकालना है. ठीक है, देन क्या करेंगे, हम 1 में से इतने पार्ट को माइनस कर देंगे, देन हमें मिल जाएगा पार्ट ऑफ गर्ल्स. बिकॉज हेयर द डिनोमिनेटर इज 1, तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग 7 माइनस 5/7. फ्रॉम हेयर 2/7 इज द पार्ट ऑफ गर्ल्स. ओके, पार्ट ऑफ बॉयज भी हमें मिल गया, पार्ट ऑफ गर्ल्स भी मिल गया. देन अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ गर्ल्स, उसके रेफरेंस से हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालना है. ये तब पॉसिबल होगा जब हमें टोटल अगर मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन वेरी इजिली वी कैन फाइंड आउट. तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, टोटल इतने हैं एंड एक्स का इतना पार्ट बॉयज है और एक्स का ही इतना पार्ट गर्ल्स है, गर्ल है. ओके, देन क्या करेंगे हम लोग, 2/7 ऑफ एक्स. 2/7 ऑफ एक्स हमको क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 300. इन देन ऑफ मीन्स टू मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है. देन 2/7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 300. ओके, देन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि हम लोग इस फ्रैक्शन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 2 विल कम टू डिनोमिनेटर लाइक दिस. ओके, देन 2 कैन सिंप्लीफाई 300, देन इट विल गिव 150. यू विल गेट 1050. ओके, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर 1050. देन यू हैव टू नोट इट डाउन लाइक दिस. इन द सेकेंड स्टेप द नंबर ऑफ बॉयज यू हैव टू फाइंड, सो फॉर दैट नंबर ऑफ गर्ल्स यू हैव टू नोट दैट आर 300. अब नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए आपको टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस करना होगा, जस्ट लाइक दिस. ओके, सो सब्ट्रैक्ट 300 फ्रॉम 1050, सो यू विल बी गेटिंग 750. सो 750 इज द फाइनल आंसर, मीन्स हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दैट क्लास, 750 बॉयज आर देयर इन दैट क्लास. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर आर्यन फाउंड दैट 3/8 डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी वॉज स्टिल लेफ्ट. What was the length of his whole journey? ठीक है, इतनी डिस्टेंस चलने के बाद आर्यन ने क्या देखा कि उसका टोटल जर्नी का इतना पार्ट,
3/8 डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी. हिज जर्नी मीन्स टोटल जर्नी का इतना पार्ट बचा हुआ है. तो उसका मतलब कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है, वी डोंट नो. देन वी विल बी फाइंडिंग आउट लाइक द वे वी हैव डन हियर इन दिस क्वेश्चन, द सेम वे विल बी यूजिंग हियर. और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ हिज होल जर्नी, उसकी जर्नी का पूरा लेंथ, मतलब वो कितने किलोमीटर टोटल उसे कवर करना है. ओके, नाउ जस्ट सी द सॉल्यूशन. उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है अभी, 45 किलोमीटर. देन आफ्टरवर्ड्स पार्ट ऑफ द जर्नी लेफ्ट, ये बचा हुआ पार्ट हमें दिया गया है, दैट इज 3/8. इसका मतलब इसकी हेल्प से हम लोग निकालेंगे कितना पार्ट उसने कवर कर लिया है. ये तो डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये पार्ट नहीं है, हमें पार्ट निकालना है. तो होल मैंने कहा किसी भी फ्रैक्शन का होल नंबर 1 लिया जाएगा, इसका मतलब हम 1 में से इतने पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल बी गेटिंग द कवर्ड पार्ट. ओके, तो पार्ट ऑफ जर्नी कवर्ड हो जाएगा 1 - 3/8. डिनोमिनेटर इज 1 हेयर, तो इसको भी हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 - 3/8. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल बी गेटिंग 5/8. उसने अपनी टोटल जर्नी का 5/8 पार्ट कवर कर लिया है. ओके, तो हमें टोटल जर्नी तो पता ही नहीं कितने डिस्टेंस है, तो हम लोग उसको लेट कर लेते हैं. ओके, लेट द लेंथ ऑफ द होल जर्नी बी एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया. अब एक्स का इतना पार्ट उसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, और इतना ही पार्ट हमें दिया गया है. ओके, तो बोथ द थिंग्स कैन बी इक्वल, तो वी कैन डू 5/8 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 45. ओके, 5/8 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 45, ऑफ मीन्स टू मल्टीप्लाई, तो 5/8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 45. नाउ लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 45 इंटू 8/5, 5 कैन सिंप्लीफाई 45, तो 9 टाइम्स इट विल गो, हेयर यू विल बी गेटिंग 8 9s are 72. सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 72 किलोमीटर, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 45 होल 1/2 मीटर एंड 34 होल 3/4 मीटर रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमानुसार, मीन्स लेंथ, फर्स्टली लेंथ इज रिटन, तो इट मीन्स इट इज द लेंथ, एंड देन नेक्स्ट ब्रेथ इज देयर, देन इट मीन्स इट इज द ब्रेथ. देन फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द पार्क. तो इसके लिए आपको क्लास 7th के कॉन्सेप्ट को, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर को रिमाइंड करना होगा, जिसमें आपने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. ओके, देन रिगार्डिंग दैट वी विल बी जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो गिवन थिंग्स हैं उसको हम नोट डाउन कर, लाइक दिस, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 45 होल 1/2 मीटर. ओके, इट इज इन द मिक्स फॉर्म, तो इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. इसके बाद ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क करेंगे, दैट इज 34 होल 3/4, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. देन वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द एरिया इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ + ब्रेथ. नहीं भी पता है तो मैं यहाँ बता रही हूँ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ. लेंथ भी आपको पता है, ब्रेथ भी आपको पता है, लेट्स पुट द वैल्यूज है. ओके, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली. जस्ट सी द डिनोमिनेटर्स आर द सेम, नो दे आर नॉट द लाइक, इनको इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग दिस. ओके, देन आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन हमें मिलेगा हेयर 2 × 321/4. ओके, सिंस दिस 2 कैन सिंप्लीफाई 4, तो 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, देन आफ्टर दिस विल बी गेटिंग 321/2. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली वी विल बी गेटिंग 160 होल 1/2 मीटर. इट वॉज द फर्स्ट पार्ट, हमें पेरीमीटर भी निकालना था और एरिया भी निकालना था. देन इसके बाद एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेंथ भी हमें पता है, ब्रेथ भी हमें पता है, तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ को की वैल्यू पुट अप कर देंगे, 91/2 × 139/4. देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we will get 12649/8. After more simplification, we will be getting 1581 whole 1/8 meter square. It is the area of the rectangle. So this and this both are the required answers of this question. Now let us come to question number 9. A floor is 2 whole 1/4 meter long and 1 whole 3/4 meter wide. A square carpet of side 1 whole 1/2 meter is laid on the floor. ये floor का मतलब फर्श होती है, इसका मतलब बिल्कुल भी आटा नहीं है, इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा, इसका मतलब फर्श है, फर्श. Find the area of the floor that is not carpeted. ठीक है,
एक फर्श है जो कि इतनी लंबी इतनी मीटर लंबी है और इतनी मीटर चौड़ी है। उस पर एक स्क्वायर शेप का कारपेट डाला गया जिसका साइड इतना दिया गया है। हमें निकालना है एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। आप लोगों के घरों में कारपेट पड़ी होती होगी, आपने देखा होगा, हो सकता है किसी के घर में पूरे रूम के ही साइज का कारपेट हो, और कभी कभी हम लोग छोटी साइज का भी कारपेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर छोटी कारपेट को ले डाउन किया गया है जिसका डायमेंशन ये है, और तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लास 7th के टॉपिक एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें हम लोग फिगर के थ्रू सॉल्व करेंगे, देन इजिली वी विल बी गेटिंग द कंसेप्ट। ओके, जस्ट इमेजिन इट इज अ रूम। ओके, इट इज अ रूम ए बी सी डी इज अ रूम जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि रेक्टेंगल होगा तभी उसमें दो डिफरेंट डायमेंशन होंगे, और ये स्क्वायर है तभी यहाँ पर केवल एक डायमेंशन दिया गया, दैट इज द साइड। ओके, तो ये एक रूम है ए बी सी डी जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, उसमें हमने ये एक कारपेट डाल दी पी क्यू आर एस। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? ये स्पेस जहाँ पर कारपेट नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि हम लोग कारपेटिंग जो है वो करते हैं किस प्लेस पर डायमेंशन वाइज, तो हम लोग कारपेटिंग करते हैं बीच के स्पेस पे, जो जिसको हम बोलते हैं एरिया। ए बी सी डी जो आपका रेक्टेंगल है, इसके एरिया में हम लोगों ने कारपेट बिछाई है केवल इतनी दूर। तो कितना एरिया बचा हुआ है जहां कारपेट नहीं है? उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस वाले रेक्टेंगल का ए बी सी डी का एरिया निकाल लेंगे, देन एरिया ऑफ द स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इस बड़े वाले एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को फाइंड कर लेंगे, देन हमें ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने लेंथ ऑफ द फ्लोर लिखा है, दैट इज 2 होल 1/4 मीटर, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। देन इसके बाद विड्थ ऑफ द फ्लोर किया, दैट इज 1 होल 3/4, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। देन इसके बाद एरिया ऑफ द फ्लोर निकालेंगे विच इज इन द रेक्टेंगुलर शेप। ओके, देन लेंथ इन टू ब्रेथ इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ एंड ब्रेथ वी बोथ नो, दैट इज 9/4 × 7/4। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, सो इट विल गिव यू 3/16 मीटर स्क्वायर। ओके, सीधा यूनिट, बिकॉज टू डिफरेंट डायमेंशन आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, बिकॉज ऑफ दैट स्क्वायर विल बी देयर, मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट। ओके, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट इज 1 होल 1/2 मीटर, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें मिला 3/2 मीटर। देन साइड ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर विद दिस 3/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर को दो बार खुद से ही मल्टीप्लाई करना, मीन्स 3 × 3/2 × 2, दिस विल गिव यू 9/4 मीटर स्क्वायर। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द फिगर हमने ये दोनों बड़े इसका भी एरिया फाइंड कर लिया है और इस स्क्वायर का भी एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम इस पोर्शन में से इस बीच वाले पोर्शन को हटा लेंगे, देन हमें मिलेगा ये नॉन शेडेड पोर्शन जहां पर कारपेटिंग नहीं हुई है। ओके, तो फॉर दैट वी डिड लाइक दिस। So area of the floor that is not carpeted is equals to area of floor minus area of carpet. Okay, दोनों ही चीजें हमें मिल गई हैं, हमें सॉल्व कर लिया है यहाँ पर 63/16 − 9/4, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं इसलिए हम लोगों ने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। देन वी गॉट 63 − 36/16 आफ्टरवर्ड्स 27/16। देन इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला 1 होल 11/16 मीटर स्क्वायर। ओके, so with this question we have completed the chapter number 1, and then very soon I'll be explaining question chapter number 2 also, that is the exponent, that is also very interesting chapter. So thanks for watching my video and keep practicing maths to improve yourself.